और रेड गाइस, तो आप सभी लोग का यार एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और नई और शानदार गेम प्ले वीडियो में, जहां पे आज हम लोग एक बार फिर से टाइम पुश करने जा रहे हैं यार एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल में, वो भी अपने फेवरेट लेजेंड रेत के साथ। एंड यार मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि यार मैं चैंपियन बनूँ हर मैच में, बट वो तो पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज जैसे जैसे आपकी रैंक पुश होती है तो अच्छे प्लेयर्स आते हैं। एंड अभी शायद हम गोल्ड फिफ्थ में, तो इस टाइम पे भी अच्छे प्लेयर्स आएंगे, इतने अच्छे भी नहीं बट हमसे तो अच्छे आएंगे ही। तो अभी फिलहाल जो है अपन लोग लूट कर लेते हैं, एंड मुझे लग रहा है कि इस एरिया पे ना बंदे उतरे होंगे, बट अभी फ़िलहाल मुझे कहीं पर भी फायरिंग की आवाज़ सुनाई नहीं दी है। मे बी वो लूट कर रहे होंगे, शायद एक ही स्क्वाड उतरा हूँ क्योंकि मैंने इधर पर ना एक ही स्क्वाड को उतरते हुए देखा था, बाकी पता नहीं यार वो यहाँ पर है या फिर यहाँ से चला गया। तो चलिए यार चल के देखते हैं। ओके तो यहाँ पे ओके तो अपने लोग को यहाँ पे लेवल 3 का वेस्ट मिल चुका है, तो सबसे पहले इसको लेते हैं। और अभी अपने को ना वो वाली टोकन भी चाहिए जो कि ओके एक सेकेंड, यहाँ पे बंदा है सेकेंड। ओके मे बी वो शायद फेड था, हाँ फेड है, वो अकेला है शायद। ओके बाय बाय। ओके शायद इसके पास भी लेवल 2 का वेस्ट था, मे बी नहीं लेवल 1 का ही था इसके पास, क्योंकि जब मैं इसको मार रहा था तो इससे वाइट कलर का कलर निकला था, लेवल 1 का ही था। ओके इसके पास वेस्ट था ही नहीं इसके पास। ओके तो अपन लोगों ने जो है यहाँ पे इसको किल कर दिया, एंड यहाँ पे इसका स्क्वाड ज़रूर होगा, तो अपन लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से, एंड फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। एंड मुझे नहीं लग रहा यार कि इनका कोई बंदा यहाँ पे होगा, अभी वो अकेले यहाँ पे फेड रुका होगा और उसके अलावा कोई भी नहीं होगा, नहीं तो अभी तक बंदे इधर पे आ जाते क्योंकि हमने उनके एक टीममेट को मारा है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अपन लोग यहाँ से निकलते हैं एंड चलते हैं दूसरे एरिया पे। ओके तो इधर पे यार मेरे को ना फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, एंड मुझे क्या लग रहा है यार यहाँ पे एक स्क्वाड नहीं, यहाँ पे दो स्क्वाड है जो कि आपस में लड़ रहे हैं। एंड आप मेरे टीममेट्स को देख सकते हो भाई, दोनों ही मतलब इतने दूर है ना मेरे से, अपने में ही खेल रहे हैं वो लोग, टीम कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग जो है सोलो लड़ने वाले हैं और बिल्कुल ही दिमाग से मुझे यहाँ पे किल निकालना पड़ेगा और इस स्क्वाड को निपटाना पड़ेगा क्योंकि मैं अकेला हूँ। ओके एक सेकेंड, यहाँ पे रेत है शायद, रेत वर्सेस रेत में हमारी रेत क्या जीत पाएगी। ओके एक सेकेंड, पेड़ भी है यहाँ पे। ओके ओके एक सेकेंड, नाकाम हो सकता था, तो अपने को ना केयरफुल रहना पड़ेगा, अपनी पूरी की पूरी शील्ड डैमेज है और अगर अपने को ना थोड़ा बहुत डैमेज और मिले। एक सेकेंड देखो, अपनी शील्ड चार्ज करनी पड़ेगी, बस कोई आया ना यहाँ पे। ओके एक सेकेंड, ब्लड हाउंड ये तो पीछे नहीं छोड़ रहा इसकी तो, अबे इसके तो तीनों टीममेट मिलके यार मेरी ऐसी कैसी कर रहा हूँ, निकलना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। सही टाइम पे मैंने यहाँ पे रेत की एबिलिटी यूज़ कर ली, अदरवाइज मेरा यहाँ पे काम हो चुका था। ओके तो अपन लोग यहाँ पे कॉर्नर पे आते हैं एंड यहाँ पे अपनी जो है शील्ड चार्ज करते हैं, बिकॉज आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत कर दी उन लोगों ने मेरी। एक बार मेरी शील्ड चार्ज हो जाए फिर इनको मैं बताता हूँ इनकी, तो इनके पूरे स्क्वाड की मैं ऐसी कैसी करता हूँ अभी जाके। रुक जा, बहुत नेता बन रहा था ये ब्लड हाउंड ना इसकी तो, रुक जा, बहुत हो गया, बाय बाय। बहुत हम लोगों ने बच्चों वाला खेल खेल लिया और उधर शायद मेरे को कोई डैमेज दे रहा था इसकी तो। एंड यहाँ पे बंदे हैं भाई लोग, और शायद यहाँ पे एक स्क्वाड नहीं है, एक स्क्वाड और है। ओके एक सेकेंड, रेत बाय बाय। ओ भाई बिल्कुल मतलब सही टाइम पे उसने भी अपनी एबिलिटी यूज़ कर ली, और ये सामने से कौन मार रहा, ये भी लाइफ लाइन है। ओ सिक्के भाई, ये क्या हो गया, उसका पूरा स्क्वाड है, पीछे ही छोड़ रहे भाई, ये तो लाइफ लाइन उसका पूरा स्क्वाड है ना, इसीलिए वो फ़ायदा उठा रही है। एंड शायद मेरा टीम मेट आ गया यहाँ पे, तो अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है एंड हम लोग जो है ये जितने भी स्क्वाड है यहाँ पे उनको फिनिश कर दो। ओ एक सेकेंड, यहाँ पे दोनों बंदे, पर सबसे पहले हम इसको फिनिश करेंगे, बाय बाय। बहुत हुआ फिनिश, और इधर पे अभी लाइफ लाइन भी है, पर उससे पहले अपने को यहाँ पे अपनी शील्ड चार्ज करनी बहुत ज़रूरी है। ओके एक सेकेंड, बाय बाय पाथ फाइंडर, शायद ये पाथ फाइंडर यहाँ पे लाइफ लाइन का स्क्वाड का ही बंदा है। ओके मिट गया, अभी यहाँ पे शायद लाइफ लाइन बची हुई है, मे बी हाँ वो खड़ी हुई है वहाँ पे इसकी तो, शायद यही एक आखिरी बंदा बचा हुआ है यहाँ पे, तो इसको फिनिश कर देते हैं। एक सेकेंड इसकी तो, जोन भी आ गया, बट कोई बात नहीं, जोन भी टेंशन है ही नहीं अपने को, और यहाँ पे लाइफ लाइन का भी काम खत्म। तो यहाँ पे जो बंदे थे यार वो काफ़ी अच्छे थे एंड बिल्कुल ही दिमाग से जो है मैंने उन लोग को निपटाया है, और सही टाइम पे मेरा यहाँ पे टीममेट भी आ गया, वरना मेरा यहाँ पे काम हो जाता। अभी फिलहाल अपने को यहाँ पे जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पे शायद 5 किल कर दिए, मेरे को पता भी नहीं चला, मेरे को लग रहा था यहाँ पे शायद मैं 2 या 3 किल ही निकालें, बट अभी अपन लोगों ने 5 किल कर दिए, और इससे ज़्यादा भी हो सकते थे। स्टार्टिंग में मैं बंदों को किल नहीं कर पाया बिकॉज वहाँ पे मुझे अपने आप को भी बचाना था, और अगर यहाँ पे मैं
बिल्कुल ही अग्रेशन दिखाता ना तो मेरा काम हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे छिप छिप के खेल रहा था। यही रीजन है कि मेरे जो किल्स हैं वो भी कम है, नहीं तो ये 8 भी हो सकते थे, मे बी 9 भी हो सकते थे, बट कोई बात नहीं, जितने उतने में ही मैं खुश हूँ। ओके, तो यहाँ पे और कोई बंदा है नहीं इस एरिया में मुझे लग रहा है, तो अपन लोग चलते हैं दूसरे एरिया में। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 2 स्क्वाड बचे हुए हैं, एंड वो जो लास्ट स्क्वाड है वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो लास्ट तक सर्वाइव किया तो अपने को ना काफ़ी ज़्यादा ही केयरफुल रहना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं अपने टीममेट्स को बुला लेता हूँ यहाँ पे। ओके, एक सेकेंड उड़ गया शायद, मेरा टीममेट गया, उसका काम हो गया। वो भाई तगड़ा प्लेयर है, और शायद उसके पास शॉटगन है क्या? अरे नहीं, निकलना पड़ेगा अपने को यहाँ से। मे बी वो शॉटगन यूज़ कर रही है, इसीलिए मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है। बट अभी अपने को ना एक सेफ प्लेस ढूंढ के ना अपनी पूरी शील्ड चार्ज करनी पड़ेगी, और सिरिंज मार के अपनी एचपी को भी फुल करना पड़ेगा। तो इधर पे चलते हैं, सेफ है यहाँ पे शायद। ओके, अभी शायद मेरा एक टीममेट जिंदा है, बट मुझे लग रहा है उसका भी काम हो सकता है। ओके, हाँ हो भी गया भाई, क्योंकि वो अपनी शील्ड भी नहीं चार्ज कर रहा था, और अभी फ़िलहाल मैं अकेला बचा हूँ। एक सेकेंड, ओ नहीं भाई, शिट यार, मे बी उसके पास शॉट गन थी यार, वो बहुत ज़्यादा डैमेज दे रही थी मेरे को, इसीलिए जो यहाँ पे हम लोग निपट गए हैं। और किल कितने करे मैंने भाई? 5 किल करे हैं भाई। वो मैच मैं निकाल सकता था यार, मैंने मतलब ध्यान दिया ही नहीं वहाँ पे, उसके पास शॉट गन थी। और दूसरी बार भी जब वो मेरे सामने आई ना, मैं मतलब ज़्यादा ही वहाँ पे नेता बन रहा था, ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गया था कि मैं उसको फिनिश कर दूंगा। एंड सच में यार, अगर मैं जैसा स्टार्टिंग में खेला था ना वैसे ही आराम से खेलता, तो सच में मैं इनके स्क्वाड को निपटा देता। बट वो स्क्वाड भी अच्छा था यार, वो जो पुराना वाला स्क्वाड था ना उससे तो अच्छा ही था, बट कोई बात नहीं, अब जो हो गया उस पर कुछ हो नहीं सकता। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग एक मैच और खेल लेते हैं। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं यार एक दूसरे मैच में, एंड आप लोग का यार एक बार फिर से स्वागत है हमारे दूसरे मैच में। एंड भाई आई प्रॉमिस यार कि मैं इस वाले मैच में ना पूरी कोशिश करूँगा कि चैम्पियन बनूँ, और शायद बन भी जाऊँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस बार मैं जो है जंप मास्टर नहीं था, और बिल्कुल सही जगह पर वो मेरे को उतार रहा है, क्योंकि वहाँ पर मेरे को वो टोकन भी चाहिए जिससे मैं गन्स की स्किन लेजेंड की स्किन्स को जो है वहाँ पे एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो जल्दी से यहाँ पे मैं लूट कर लेता हूँ इन बॉक्सेस से। ओके, गन तो नहीं मिली इस पर, बट कोई बात नहीं, क्या इस डब्बे में मिलेगी? ओके, इसमें भी नहीं है। चलो यार, यहाँ पे लूट की तो दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लूट अच्छी खासी मिलती है। अपने को ना वो टोकन चाहिए थे जो कि जिनसे हम लोग जो है काफ़ी सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं, तो फ़ायदा होता है यार यहाँ पे उतरने का, और कुछ नहीं। ओके, तो सारे डब्बे यहाँ पे खोल के देख ही लेते हैं। ओके, अपने को यहाँ पे अपनी अच्छी मतलब फेवरेट गन कह सकते हो इसको, स्पीड फायर मिल चुकी है। ओके, यहाँ पे लेवल 3 का वेस्ट भी पड़ा, तो इसको भी उठा लेते हैं। ओके, शायद मेरा यहाँ पे एक टीममेट जो है निपट चुका है, तो अपने को उधर पे अब जाना ही पड़ेगा। ओके, शायद आसपास ही है बंदा कोई। ओके, एक बंदा आसपास ही हमारे, तो एमओ कलेक्ट कर लेते हैं, आसपास ही है वो हमारे। ओके ओके, शायद बगल में ही है। ओके, रैप छोड़ी है, अबे तेरी तो कहाँ गई? अरे अरे, मार नहीं पाएगी। ओके, शायद मेरे टीममेट ने उसको फिनिश कर दिया यहाँ पे, और बिल्कुल सही फिनिश किया, सही टाइम पे शायद उसने 2 बंदे फिनिश कर दिए। एंड अभी और भी बंदे यहाँ पे, इनका स्क्वाड है, बट उससे पहले हम लोग जो है यहाँ पे अपना वो आइटम ले लेते हैं जो अपने को चाहिए। ओके, इधर के डब्बे किसी ने खोल दिए हैं ऑलरेडी, तो ओके यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा हमें उन स्क्वाड्स को जो यहाँ पे अभी भी हैं, और शायद वो इधर पे आ जाएं, बिकॉज हमने उनके टीममेट्स को फिनिश कर दिया है, तो शायद वो इधर पे आएँ। ओके ओके, सामने बंदे हैं वहाँ पे, आप देख सकते हो, ये देखो, ये शायद डिकॉय था, बट कोई बात नहीं, बट उधर पे ना बंदे हैं, तो अपन लोग उधरी पे चलते हैं। अबे कौन है ते? तो अबे यार, जैसे जाना अपने लिए खतरा साबित हो सकता है, तो वापस चलते हैं। और देख रहा हूँ भाई कितने दूर से मेरे शील्ड की ऐसी कैसी कर दी। कोई बात नहीं, अपन लोग जो है ना इधर ही से जाते हैं छिप छिप के, इधर से अपन लोग को कवर भी मिलेगा, और अपने पास ना लॉन्ग रेंज वाली गन भी नहीं कि मैं लॉन्ग रेंज की फ़ाइट ले सकूँ, क्योंकि अपने पास स्कोप भी नहीं है ढंग का, तो इधर से लड़ाई करना तो बेवकूफ़ी है, तो अपन लोग जो इधर ही चलते हैं। और इतना खास स्क्वाड लग भी नहीं रहा वो, तो जाके उसको फिनिश भी कर देंगे। ओके, वो सामने बन रहा है, पेड़ अभी भी, बस बस बहुत हुआ फिनिश। ओके, तो यहाँ पे शायद मेरा एक टीममेट जो है फिनिश हो चुका है पूरी तरीके से, पाथ फाइंडर है, तो उसको हम लोग जो है हमें उसका कार्ड लेना पड़ेगा, शायद आसपास ही है मेरे वो, हाँ पास में ही है, बट उससे पहले मैं अपनी लूट कंप्लीट करूँगा, उसके बाद ही जाके उसको मैं रिस्पॉन्ड कराने वाला हूँ।
ओके तो अभी इसका कार्ड लेते हैं, इसको रिस्पॉन्ड भी करा देते हैं। ओके रिस्पॉन्ड मशीन कहाँ पे? ओके अच्छा मेरे पीछे ही है, मैं इधर पे कहाँ पे जा रहा हूँ, वो उसने मार्क किया, पास फाइंडर ने अभी माइक किया, सॉरी मार्क किया वहाँ पे। ओके तो अभी इसको पहले रिस्पॉन्ड करा लेते हैं। तो अभी अपना जो काम था वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है, एंड मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे और भी कोई स्क्वाड होगा। फिलहाल यहाँ पे शायद 2 या 3 स्क्वाड उतरे थे, इनका सफाया जो है हम लोगों ने कर दिया। फिलहाल मुझे तो यहाँ पे सिर्फ 1 किल मिला है और मेरा 1 किल चोरी हुआ है, डैमेज भी इतना भी ज़्यादा खास नहीं है, बट कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे कोई बंदा है नहीं तो निकलते हैं यहाँ से। ओके तो अपन लोग जो है ना इसको यूज़ करने वाले हैं, बहुत टाइम हो चुका है इसको यूज़ करे हुए, तो किधर जाना चाहिए? सर्कल के अंदर। अरे ये क्या हो गया भाई, किसकी नज़र लग गई इस पे? सॉरी मेरे पे। तो सर्कल के अंदर ही चलना चाहिए क्या? नहीं नहीं बाहर चलते हैं इधर पे, कि बंदे यार सर्कल के अंदर बहुत ही कम मिलते हैं, सर्कल के बाहर ही ना मतलब ज़्यादातर बंदे मिलते हैं। तो अपन लोग थोड़ा यहाँ पे चलते हैं, बिकॉज इधर पे ना फायरिंग की आवाज़ भी आ रही थी, तो शायद बंदे हों यहाँ पे। ओके ओके जैसा मैंने सोचा था, और पूरा स्क्वाड है तेरी तो। ओ भाई अपने को ना केयरफुल रहना पड़ेगा, पूरा स्क्वाड इनका। बट बाय 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 गाइस। ओके दो बंदे निपट गए। ओके एक सेकंड यार, इसको रिवाइव किसने दिया था भाई? क्या ही हो गया यार, तीनों के तीनों किल मेरे नाम। आज दिन ही खराब यार अपना। ओके नीचे भी बंदे हैं, शायद नीचे भी बंदे हैं क्योंकि फायरिंग की आवाज आ रही है, नीचे भी बंदे हैं। ओके मेरा एक टीममेट गया यहाँ पे एक सेकेंड, बट वो मुझे नहीं मार पाएगा इसकी तो। कौन है? ओके पास शायद ब्लड हाउंड है। ओके फिनिश। ओके उधर पे भी बंदा है, बट अपनी पूरी शील्ड जो है डैमेज है, तो सबसे पहले हम अपनी शील्ड चार्ज करेंगे। और शायद फेड है वो? नहीं 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 फेड नहीं है, मिराज है अपना। ओके दो बंदे वहाँ पे, दो बंदे भाई वहाँ पे, दो बंदे, एक बंदा नहीं है, दो बंदे चलते हैं। मेरे टीममेट ने ही फिनिश कर दिया यार, पूरे स्क्वाड को उसने फिनिश कर दिया। ओके इनके डब्बों में क्या अपने काम का आइटम है? आई डोंट थिंक सो यार, इनके डब्बों में अपने काम का आइटम होगा, बिकॉज ऑलरेडी यार अपने पास इतनी अच्छी खासी लूट है, अपने को ज़रूरत ही नहीं है। एंड इन भाई यहाँ पे दो स्क्वाड थे यार, मतलब यहाँ पे कोई सोच सकता है यार ऐसे गुफाओं पे बंदे हो सकते हैं, मतलब इधर पे अच्छी बात है कि फायरिंग की आवाज़ आ रही थी और मैं इधर पे आ गया और इनका काम जो है फिनिश कर दिया। ओके तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने इन दोनों स्क्वाड का जो है सफाया कर दिया बहुत ही आसानी से, और ये बंदे अच्छे भी थे यार, बट हमारे स्क्वाड के सामने इनका कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब हम लोगों ने बड़े आसानी से इनको फिनिश कर दिया। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे बंदों की मुझे आहट तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है इस एरिया में, तो क्या अपन को यहाँ से चलना चाहिए? हाँ चलना ही चाहिए, तो चलते हैं यहाँ से। ओके ओके तो यार अपने को ना यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ आ रही थी एंड सिर्फ एक ही स्क्वाड लेफ्ट है, तो यहाँ पे ना अपने को काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज बंदे जो अच्छे हैं एंड उधर पे देख सकते हो उनका पूरा स्क्वाड जो है, तो चल के जो है उनको निपटाते हैं। और शायद कौन कौन है यहाँ पे? एक सेकेंड, रैप्सोडी और ऑक्टेन है, और मेरी पूरे शील्ड की उन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं, तो अपने को इधर पे सबसे पहले आना पड़ेगा कोपचे पे, अपनी शील्ड चार्ज करनी पड़ेगी आराम से यार, जाके उनको निपटाएंगे। जो पिछले मैच में गलती करी थी ना इस मैच में नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे भी जो है हम लोग लास्ट स्क्वाड को ही निपटा नहीं पाए थे, बट इस मैच में जो है हम लोगों ने निपटा दिया। एंड भाई क्या ही शानदार तरीके से चैम्पियन बने, मैं यार लास्ट वाली स्क्वाड का एक भी किल नहीं निकाल पाया, बट कोई बात नहीं, आपके भाई ने यहाँ पे 4 किल करे हैं एंड इस बंदे ने भाई 6 किल करे हैं और 1500 डैमेज का, 1600 अप्रोक्सीमेटली, मतलब समझ लो 1600 ही है। एंड वो बंदा इतना खास खेला नहीं दूसरा वाला, बट हम दोनों ने ही मिलके जो है अपने स्क्वाड को यहाँ पे चैम्पियन बनाया है। एंड यहाँ पे अपनी रैंक कितनी प्लस हुई है वो भी देखते हैं, 80+ हुई है एंड हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं गोल्ड 4th में, एंड मे बी 2 मैच लगेंगे यहाँ पे गोल्ड 3rd में आने के लिए, तो सीजन 2.5 में मे बी हम लोग फिर से जो है प्लेटिनम ही टच कर पाए मे बी, और ऐसा भी हो सकता है कि डायमंड पहुंच जाए, बाकी फ्यूचर में क्या होगा वो हमें भी नहीं पता है।
एंड आप लोग को ये कैसा लगा गेम प्ले वो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।